डैडी कैसी लगी फिल्म? जय शंभू नारायण डैडी एकदम चांगली फिल्म है, सर्वानी बघितले पाहिजे। त्यामध्ये डैडी ने कसं केलं कसं नाही ते त्यामध्ये सर्व अपडेट केले। ओके, अर्जुन रामपाल कितने अच्छे लगे फिल्म के अंदर उस बारे में बता। हाँ, त्यांनी त्यांचा रोल चांगल्यापैकी केलेला आहे, त्यांना सूट होतो तो रोल। और कितने स्टार देना चाहेंगे फिल्म को? 4.5। और क्या खास लगा आपको फिल्म के अंदर? जे त्यांनी ज्यांनी ऍक्टिंग केले ना तेच मला आवडलं सर्वांचे। और क्या दिखाया, स्टोरी लाइन क्या है फिल्म की? म्हणजे म्हणजे अरुण गवळे काय होते स्टार्टिंग पासून आणि काय नाही ते सर्व दाखवलं स्टोरी मध्ये। मतलब उनको कहीं हीरो बनाने की कोशिश है कि वो हीरो हैं? जैसे है वैसे ही अच्छे, मतलब जो उन्होंने हाँ उन्होंने क्या हाँ वैसे हाँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले पूछना चाहूंगा कौन सी फिल्म देखी आप? अरे डैडी देखी। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। अर्जुन रामपाल की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जबरदस्त, अर्जुन रामपाल इतना अच्छा एक्टिंग, बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया। डैडी लगता है वो बेस्ट। क्या आपको लगता है कि अर्जुन रामपाल की टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है कि ये फिल्म? डेफिनेटली। और कितना जस्टिफाई किया उन्होंने अरुण गवळी के रोल को? मुझे लगता है कि मैक्सिमम तो जस्टिफाई किया है पूरा, बट क्योंकि अरुण गवळी को हम लोगों ने इतना देखा नहीं है ज़्यादा, बट अच्छा है। मतलब अरुण गवळी के लिए वो ऐसा देखेंगे तो उसका लगता है कि ये फिट है ये रोल के लिए अरुण गवळी। ओके, क्या खास रहा स्टोरी में या फिल्म के अंदर आपको जो लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो, फोटोग्राफी हुई हो या वो डिटेलिंग हुई हो? डिटेलिंग जो है ना वो बहुत अच्छी है कि हम लोगों को भी इतनी स्टोरी पता नहीं थी, बहुत कुछ जानने को मिला अरुण गवळी के बारे में। वेरी गुड थिंग। ओके, 5 में कितने स्टार देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, क्या खास है? डैडी में उसका नाम ही सबसे ज़्यादा खास है और इस हफ्ते की डैडी रहेगी वो। एक्शन है, थ्रिलर है और साथ में उसमें बायोपिक का जो फ्लेवर है बहुत अच्छी एक्टिंग करी है सारे एक्टर्स ने। अर्जुन रामपाल के बारे में क्या कहना चाहिए, क्या अर्जुन रामपाल की डैडी से वापसी है? मुझे नहीं लगता कि वो गए थे, मुझे लगता है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग थोड़ी हट के है, वो मॉडलिंग में ज़्यादा हैं तो इसलिए उनकी फ़ैन फॉलोइंग थोड़ी कम है एक्टिंग वाइज, लेकिन ये कैरेक्टर प्ले करने के बाद आई थिंक उन्हें काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगा। अर्जुन रामपाल फिल्म के बारे में क्या खास लगा? फिल्म में सबसे अच्छी बात यह है कि भाई मुझे नहीं पता था अरुण गवळी जी के बारे में पर्सनली इतना, लेकिन काफ़ी कुछ जानने को मिला है जहाँ तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है और डेटा प्रेजेंट किया है। प्लॉट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्क्रीन प्ले बाय ऑब्वियसली अर्जुन रामपाल जी और आलू वाली जी का डायरेक्शन है, तो बहुत ही अच्छा मतलब एक क्रिएशन है मूवी डायरी। फिल्म के अंदर म्यूजिक और डिटेलिंग के बारे में क्या कहेंगे खासकर? म्यूजिक तो देखिए एक ही था आई थिंक, मैंने सॉन्ग नोटिस किया, वो भी एक्शन सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया गया था ब्रेक डाउन करके, लेकिन जो डिटेलिंग दिखाई है बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छी तरीके से फोकस किया गया एक एक कैरेक्टर। अब वो कितना रिलेट करता है रियल लाइफ स्टोरी से, वो रियल लाइफ स्टोरीज दैट डिपेंड्स, बट बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है। आउट ऑफ 5 आई विल गिव 3.5। कैसी लगी फिल्म? अच्छी लगी। क्या फिल्म के बारे में क्या खास लगा? अर्जुन रामपाल की एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? अच्छी थी। क्या अच्छी लगी? अच्छी तो होगी। गैंगस्टर के बारे में थी, मतलब वो पहले गैंगस्टर थे फिर बाद में वो सुधरने की कोशिश करते थे, पुलिस वाले मतलब उनको सुधरने देते नहीं, उसके पीछे ही लगे रहते, फिर वैसी एक्टिंग। अर्जुन रामपाल के बारे में क्या कहेंगे, कितनी अच्छी एक्टिंग करी है? कैमरा उसने तो एकदम सेम अरुण गवळी दिख रहे थे उसमें। अर्जुन रामपाल एकदम अरुण गवळी दिख रहे थे सेम। ओके, अर्जुन रामपाल की एक्टिंग कितनी अच्छी लगी आपको? अच्छी मतलब पूरी टोटली एकदम सेम एक्टिंग ही की है उसमें, और पूरा फेस का ड्रेसिंग सेम था उनका। ओके, गानों के बारे में क्या कहेंगे, म्यूजिक के बारे में क्या? उसमें क्या दो गाने हैं, एक ईद का गाना है और एक गणपति का गाना है, बस दोनों भी गाने अच्छे हैं। ओके, कितने स्टार देंगे 5 में से? 4.5। थैंक यू सो मच। डैडी कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म थी, इंटरेस्ट आया देखने में, बोर नहीं हुआ। अर्जुन रामपाल की एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही बेस्ट एक्टिंग थी, सूट हुआ उन पर रोल, बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छे दिखे हैं अर्जुन रामपाल, गवळी नजर आए फिल्म में? बहुत सेम डिटो। ओके, क्या खास लगा आपको फिल्म के बारे में? फिल्म में एक्टिंग बहुत अच्छी है, सॉन्ग्स भी अच्छे हैं, गीत पर भी दिया है गणपति पर, और एक पुराना जैसा सॉन्ग्स लिया है 80s का, बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्ट भी आ रहा था देखने में। ओके, कितने स्टार देंगे 5 में से? 4.5। थैंक यू। डैडी कैसी लगी फिल्म आपको? बढ़िया। अर्जुन रामपाल की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑसम। क्या जस्टिफाई करते हैं अर्जुन गवळी का रोल और कैसा किरदार निभाया उन्होंने, जस्टिफाई होता है? जस्टिफाई तो होता है, और लगता है कि काफ़ी मेहनत भी की होगी उन्होंने ये रोल को प्ले करने के लिए। क्या अर्जुन अपनी इमेज तोड़ने में कामयाब होते हैं, जो उनकी एक चॉकलेटी इमेज रही है शुरू से? ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा रोल ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, तभी मैंने कहा इन्होंने काफ़ी मेहनत की है ऐसा लग रहा है इस रोल के लिए। ओके, क्या खास लगा आपको फिल्म के बारे में? अच्छा, जो आपने ट्रेलर से जो आपका एक्सपेक्टेशन थी तो फिल्म उम्मीदों पे खरी उतर रही है?
ओके गुड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. काफ़ी बार ऐसा होता है ट्रेलर देखने के बाद लगता है मूवी बहुत ही अच्छी होगी लेकिन एकदम टर्न ऑफ हो जाता है, टर्न डाउन. तो इसमें ऐसा, इसमें तो ऑपोजिट था, ट्रेलर जितना अच्छा लगा उससे भी ज़्यादा अच्छी मूवी थी. और एक बात ही, फरहान अख्तर उनको तो आई मीन स्टार्टिंग के कुछ शॉट्स में रिकग्नाइज होते ही नहीं है साइड से, जो उनका फर्स्ट लिया हुआ है जब वो बोलना शुरू करे तब से लगते हो कि ये फरहान अख्तर है, उनका जो मेन नेगेटिव है. सॉन्ग्स देखा जाए तो सॉन्ग ठीक थे लेकिन दे वर नॉट डिस्टर्बिंग. ओके फाइव. थैंक यू.